वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी, इस वीडियो में मैं स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है, ये बाजू है और ये नेक की पट्टी हमने कट नहीं की थी। तो पहले हम क्या करेंगे, नेक की पट्टी कट कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रख लेंगे डबल करके, उसके बाद इस वाले फैब्रिक को डबल करके हमने इस तरीके से रख लिया है और इसकी पट्टी हमें सेम कट करनी है जो हम गले पे लगाएंगे। तो इस टाइप से हमने इसको रख लिया है और इसकी पट्टियों की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए बिल्कुल बराबर करते हुए हम इसकी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया और यहाँ से हमें हाफ हाफ इंच पाइपिंग लगाना है तो कट करें, नहीं तो पट्टी लगाना है तो आप एक इंच कट कर सकते हैं। तो वो मैं कट कर रही हूँ ये पट्टी को, तो यहाँ से इस टाइप से लूँगी ये, और ये पट्टी को मैंने कट कर लिया। ये देखिए बैक में कॉलर लगेगी तो वो मैं स्टिचिंग में बताऊंगी। और इसको अब पहले हम सूट से नाप लेकर सूट को फिटिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमने फ्रंट साइड से मार्क किया हुआ था तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको बैक साइड से बिल्कुल नाप से फिट कर लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अब इसको फिट करने के लिए हमें बिल्कुल परफेक्ट वाला नाप लेना होगा। तो ये मैंने नाप ले लिया है और इसी से फिट करना होगा। तो ये मैंने इस टाइप से रख लिया इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करते हुए। अब इसको फिटिंग वाला हम मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से हम पहले मिला लेंगे बराबर करते हुए। यहाँ पहले जिधर ये सब इस तरीके से करके तब फिट करना है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के लिए हमें इसी टाइप से फिटिंग करना है। तो देखिए ये हमने फिट वाली मार्किंग लगा ली है गोलाई में सेफ देते हुए, और इधर की सेम उसी तरह हम फिट कर लेंगे और मार्किंग लगा लेंगे। तो ये मैंने लगा लिया है गोल। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखते हुए यहाँ एक और दो दो बित्ता पे हमें कटिंग करनी होती है, जो कि मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ और मार्किंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने मार्किंग कर लिया और कट भी कर लिया। अब सबसे पहले इसको हमें इस टाइप से रखना है, रखने के बाद हमें इसकी पट्टियाँ लगानी है। तो जो पट्टियाँ हमने कट किया था वो पट्टियाँ को इसके ऊपर डालकर हम स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर ये इस टाइप से, और एक सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसको स्टिचिंग करते हैं और दिखाते हैं कैसे स्टिच होगा ये सेमी कट स्टिच। पहले फ्रेंड्स हम नेक की पट्टियाँ लगाएंगे, तो वो नेक की पट्टियाँ हम इस टाइप से पहले रख लेंगे बिल्कुल बराबर से इसको, और इसके ऊपर जो हमने कट किया था पट्टी उसको हम स्टिच करेंगे। तो हम फ्रंट बैक देख लेंगे, ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक को अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए तो ये हमने मिला लिया, अब इस पर शूट नेक पे स्टिच कर लेंगे सिलाई। जैसे जैसे नेक है वैसे वैसे हमें स्टिचिंग करनी है। इस टाइप से सिलाई को ध्यान में रखते हुए ये मैंने इधर से स्टिच कर लिया सेम इसी तरह। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमने सिलाई लगा के स्टिच कर लिया, इसको पलटना कैसे है तो इस टाइप से हमें इसको पलटना है, तो वो भी मैं पलट कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं क्योंकि इसको पलटने में हमें बिल्कुल फिनिशिंग है, तो ये कट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इस तरीके का कट्स लगा लें। अब इसको हम पलटेंगे, तो वो देखिए इस टाइप से हम इसको पलट लेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए हमें पलटना है, एक भी सिलाई इधर उधर ना हो। और उसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगा लूँगी इस टाइप से ये, और बिल्कुल किनारे से इसमें एक सिलाई मैं लगाऊंगी। तो वो पहले हम बिल्कुल फिनिशिंग इसको कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, चाहे तो आप पाइपिंग भी इससे निकाल सकते हैं, तो मैं पाइपिंग निकालूँगी। तो देखिए हम इस तरीके से पाइपिंग बिल्कुल बराबर करते हुए अंडरग्राउंड पाइपिंग निकालूंगी बिल्कुल बारीक से इस टाइप से। तो ये हमने निकाल लिया है,
अब चलिए इस पे एक एक स्लाइड लगा देते हैं बराबर करते हुए। इसी टाइप से हमें पाइपिंग को निकालते जाना है, गूम पाइपिंग निकालना है, जिसे हम अंडरग्राउंड भी बोलते हैं वही पाइपिंग मैं बना रही हूँ। तो कपड़े से ही निकाल ले रही हूँ, जो हमने पट्टी लगाया था उसी पट्टी से हमें निकालना है, तो वही मैं निकाल रही हूँ बराबर करते हुए। इस टाइप से ये हमने पाइपिंग निकाल लिया है बिल्कुल बराबर से, ये आप देख सकते हैं ये देखिए। और चाहें तो आप अंदर वाले को हेम भी कर सकते हैं इस तरीके से पकड़ते हुए, और चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी, तो वो सिलाई मैं लगा रही हूँ, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सिलाई मैं बैक साइड से लगाऊंगी, तो वो देखिए इस टाइप से हमें लेना है, हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए रखना है और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा देना है, तो वो मैं लगाती हूँ। तो इसी तरीके से हम पूरे को सिलाई लगा, तो ये मैंने इसके ऊपर से सिलाई लगा के इसमें फिक्स कर दिया। अब मैं शोल्डर ज्वाइंट करती हूँ। हम इसकी शोल्डर की ज्वाइंडिंग करेंगे, तो ये हमने फ्रंट पल्ला को नीचे की साइड रख लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पल्ले को रखेंगे, तो ये मेरा बैक पल्ला है। तो इसमें हमें बनानी है कॉलर, तो मैंने कोई डिजाइनिंग नहीं बनाया है, मैं कॉलर लगाऊंगी और इसको इस टाइप से पलट लेती हूँ। इसको मिलाते हुए हमें रखना है, तो इस टाइप से हमने इस पर रख के पलट लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई एक लगा लेते हैं, तो वो सिलाई हमें लगाना है बिल्कुल मिलाते हुए। तो वो मैंने इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सिलाई लगा के स्टिच करते हैं, यहाँ से ऐसे लेंगे शोल्डर को इस टाइप से, और इधर साइड से हम सिलाई लगा के मिला लेंगे, क्योंकि हमें रिटर्निंग में भी एक सिलाई लगानी है। मैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है। इसी तरीके से एक और लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे कॉलर, तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं ये बकरम। यहाँ से हम लेंगे 12 इंच इसमें से कट कर लेंगे, तो ये 12 इंच हमने कट कर लिया, एक्स्ट्रे वाले को हटा देंगे और इससे हमें इसमें सेफ देंगे गोलाई, जो गोलाई होता है वो गोलाई दे देंगे। इस टाइप से हमें सेफ देना है, ये गोलाई हमने दे दिया और सेफ भी दे दिया है। अब इसको स्टिचिंग कर लेनी है, तो वो हम इस टाइप से लेंगे इसको, और इसके ऊपर इसको हम डाल लेंगे ये, और इसको स्टिचिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रे वाले को हटा देंगे। यहाँ से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देंगे, फिर यहाँ से इसका एक्स्ट्रा हटा लेंगे, और नीचे से चाहे तो हम इसमें मोड़ भी लेंगे, तो चलिए मैं मोड़ ही लेती हूँ। तो इस टाइप से इसको लेंगे और एक्स्ट्रे वाले को हम इसी के अंदर फोल्ड कर लेंगे, जो कि इजी हो। अगर एक्स्ट्रा जितना भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए मिलाते हुए डालना है कि कम ज़्यादा ना हो। ये देखिए, तो इस तरीके से मिलाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई हम लगा लेते हैं। कलर मैंने इस तरीके से रेडी किया है, और इसको अब
इस टाइप से रख लेना है और यहाँ करना है कट लगाना है। तो ये कट हमने लगा लिया, अब इसको करना है हमें कुर्तियाँ में नेक पे अटैच। तो यहाँ से लेंगे और ये बीचों बीच करते हुए एक कट यहाँ लगा लेंगे। तो ये कट हमने लगा लिया है और इसमें अटैच करना है। तो वह कैसे करेंगे, तो इस टाइप से रख लेते हैं और यहाँ जो हमने कट किया हुआ था इसको लेना है इस टाइप से, यहाँ पे रख लेना है और यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी सिलाई एक लगा लेनी है यहाँ से इसके ऊपर। फिर सिलाई लगाकर दिखाते हैं। तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको पलट लेना है। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया, इसको पलटते हुए पहले हमें मिलाना है और जहाँ से तक सिलाई मिलेगी वहाँ से हमें इसको मिला देना है। इस टाइप से ये रहा। अब इसको इसके ऊपर से सिलाई को चला लेते हैं। पूरा में इसी तरह ये कॉलर लगकर रेडी है। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ये कॉलर भी लग चुका है। अब इसे करना है फिटिंग, तो चलिए हम फिटिंग करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं फिटिंग। तो इसका फिटिंग वाला ये साइड मैंने मार्क किया हुआ था नाप से, तो इसी मार्किंग पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। घुमाकर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इसको घुमाकर हमने एक सिलाई और लगा लिया, तो दो सिलाई इधर हो गया है इस तरीके से राउंड में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें दूसरे साइड वाला को सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों साइड की फिटिंग कर ली है, इधर की भी कर ली है और इधर की भी कर ली है। अब हम बनाएंगे चाक। तो हम चाक कैसे बनाते हैं, तो वो देखिए। तो यहाँ से हम लेंगे नीचे साइड से इस तरीके से और इसको हम हाफ इंच अंदर मोड़ेंगे, फिर एक बार और इसको हम पलट लेंगे। तो ये हमने पलट लिया और इसके ऊपर अब सिलाई लगा के इसको स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरे साइड की ओर मोड़ेंगे। तो यही मैंने स्टेप होता है कि यही वाली प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे मोड़ते टाइम बिगनर्स को फिनिशिंग नहीं होती है। तो ये हम देख लें, तो यहाँ से यहाँ तक तो सीधा लाइनिंग आ गई है। अब इसके बाद हम घुमाएंगे इस टाइप से, तो देखिए इस टाइप से यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे। अब नीचे की साइड आएंगे। इस टाइप से इसको मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमें सिलाई को चलाते जाना है। तो ये हमने एक साइड की चाक बना ली है फ्रेंड्स। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड वाली को चाक को बनाना है। तो वो भी मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, कुर्ती जैसा एक ही सिलाई रख सकते हैं, बट मैं एक सिलाई और लगा लेती हूँ। तो चाक बना लिया है, दूसरा सिलाई भी लगा लिया। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड का बना लेते हैं। अब नीचे वाला फोल्ड करेंगे। तो आगे साइड तो ये लेस जैसी पट्टी लगी हुई है, तो ये तो ऑलरेडी फोल्ड ही है। अब हम बैक वाले को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से लेंगे हाफ इंच और
कुछ इस टाइप से, और पूरे पे सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने नीचे वाले पे भी सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब बची बाजू, तो चलिए बाजू लगाते हैं। ये है बाजू, बाजू में ऑलरेडी हमने पाइपिंग पहले से लगाया हुआ है। अब इसको हम फिट करेंगे, तो फिट करने के लिए हमें जो नाप है, ये नाप, इसी नाप की हमें बाजू फिटिंग करनी है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा के फिट कर लेते हैं। तो ये मैंने बाजू फिट कर लिया, अब इसको अटैच करते हैं कुर्ती में। लगाते हैं बाजू, तो ये हमने हाफ इंच इधर से छांट दिया है, कट कर दिया है, हाफ इंच इधर कट कर दिया। अब दोनों को मिला के हम करेंगे अटैच। तो हमें इस टाइप से लेना है, और इसको लेना है, और इसे पलट लेना है। ये देखिए, यहाँ और यहाँ मिला लेना है, और लगाना है हाफ हाफ इंच सिलाई, और स्टिच कर देना है। डालेंगे पूरा गोलाई में सिलाई। तो ये मैंने पूरा गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब इसको पलटते हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो दोनों बाजू इसी तरह हमें लगाना है, तो मैं दोनों लगा लेती हूँ, फिर मैं सो करके दिखाती हूँ। बाजू लग चुकी है, ये देखिए हमने दोनों परफेक्ट बाजू लगा ली है एक जैसे हमने। ये देखिए पूरा कंप्लीट कुर्ती है। तो इस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसको अब नाप कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस टाइप से, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, इस टाइप का नेक है, इस टाइप का कॉलर है। ये देखिए पहनने के बाद बिल्कुल इस तरीके से फिट बैठ जाएगा। अब इस पर हम नाप रख के देख लेते हैं। ये कॉटन का कपड़ा है, तो हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना ही होता है, क्योंकि ये चढ़ जाता है, स्टिचिंग करने के पे बराबर रहेगा, और इसको आप जब वॉश करेंगे तो ये हाफ हाफ इंच चढ़ जाता है। तो वो हम देखते हैं अपने नाप से। तो जो नाप है उस नाप से, इस नाप से अब नाप ले लेते हैं। इसी नाप की हमें कुर्ती स्टिचिंग करनी थी। तो देखिए दोनों साइड से हमने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि वॉश के बाद हाफ हाफ इंच कपड़ा चढ़ जाता है, और बॉडी में भी हमने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। देखिए इतना इतना हमने बॉडी में भी रखा है, सब में हम एक्स्ट्रा रखा है हाफ हाफ इंच, क्योंकि वॉश के बाद चढ़ जाती है। बाजू भी हमने एक्स्ट्रा रखा है कि वॉश करने के बाद चढ़े भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने पूरी जगह एक्स्ट्रा रखा है। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट नाप की सूट सिला चुकी है। धुलने के बाद बिल्कुल इस नाप की हो जाएगी। अभी हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा है, तो हम एक्स्ट्रा रखे हैं इसलिए क्योंकि वॉश के बाद हमें कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो इसको हम पहनने से पहले वॉश कर लेंगे। अब इसकी पटियाला बनाएंगे, हम हैवी वाली पटियाला बनाएंगे। तो उसकी कटिंग मैंने बहुत से वीडियो हम पटियाला सलवार की अपलोड किया हुआ है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। और इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस कुर्ती की स्टिचिंग कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।